नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सहारनपुर के रेबर कॉलोनी स्थित कार्यालय बीडीएम पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की आवश्यक बैठक जिला अध्यक्ष केपी सिंह की अध्यक्षता और महामंत्री हंस कुमार और प्रदेश सचिव अमजद अली एडवोकेट के संचालन में सम्पन्न हुई। शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरटीआई के गरीब दुर्बल वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति 15 मार्च तक नहीं दी, तो 16 मार्च को जिला मुख्यालय हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर शिक्षक महापंचायत का आयोजन करके सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक को जिलाध्यक्ष केपी सिंह, महामंत्री हंस कुमार, सचिव अमजद अली एडवोकेट ने भी संबोधित किया। बैठक में मंडल उपाध्यक्ष जितेंद्र गुरियान, शिव कुमार मालियान, महानगर अध्यक्ष गयूर आलम और तमाम लोग मौजूद रहे। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ लेवा कॉलोनी स्थित बीडीएम पब्लिक स्कूल में हमारी आकस्मिक बैठक हुई है और 16 तारीख को महापंचायत की रणनीति तैयार की गई है। यदि सरकार ने 15 मार्च को हमारे स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति नहीं दी और हमारे निजी स्कूलों के टीचरों को मानदेय नहीं दिया गया तो हम 16 तारीख को शिक्षक महापंचायत करेंगे जिला मुख्यालय पर, हकीकत नगर के धरना स्थल पर पंचायत होगी और इसमें आर पार की सरकार से लड़ाई ली जाएगी। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची, जहां एक हफ्ते पहले हुए दोहरे हत्याकांड में ब्रिजेश यादव और सुरेश यादव की हत्या हुई थी। स्मृति ईरानी उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करती हुई नजर आई। मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के भद्दौर गाँव में मृतक का घर है। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला खुशीपुरा में आई एक अनजान लड़की ने पूरे मोहल्ले में हंगामा बरपाया। मोहल्ले वासियों के मुताबिक ये लड़की कुछ देर तक मोहल्ले में घूमती रही, इसके बाद एक घर में घुस गई और आग लगा दी। इसके पहले कि कोई उसे कुछ समझ पाता, ये लड़की भागकर एक मकान की दीवार पर बनी पट्टी पर चढ़ गई। किसी तरह से मोहल्ले के लोगों ने इस लड़की को सीढ़ी लगाकर नीचे उतारा। जब उसे पूछताछ की गई तो ये साफ हो गया कि लड़की का मानसिक तौर पर वो ठीक नहीं है। इस पर मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर महिला पुलिसकर्मी मौके पर पहुंची और लड़की को लेकर थाने ले आई। लड़की अपना नाम संजना बता रही है लेकिन पिता का नाम नहीं बता पा रही। कभी वो खुद को रात हमीरपुर की रहने वाली बताती है तो कभी मऊरानीपुर की। पीलीभीत में बैंक जा रही नाबालिग को भगाने का युवक पर आरोप लगा था। गांव के ही युवक पर अश्लील हरकत करने और बुरी नीयत रखने का भी आरोप लगा। 3 मार्च को निजी काम से बैंक जाते समय अचानक वो गायब हो गई थी। परिजनों ने युवक और उसके बहनोई पर किशोरी को भगाने का आरोप लगाया। परिजनों ने SP को लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना न्यूरिया इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर में नशे में धुत व्यक्ति ने मंदिर में तोड़फोड़ की है। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए गाली गलौज करते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना नूरपुर इलाके के अली नगर पांगली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सहारनपुर के अंबेडकर चौक पर पुलिस और एक युवक के बीच हाथापाई के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना के मुताबिक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक अपनी मां से बहस कर रहा था। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक होमगार्ड द्वारा युवक पर लठ बरसाने शुरू कर दिए गए, जिससे गुस्साए युवक ने भी पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसके बाद मौके पर इकट्ठा हुई लोगों की भीड़ में युवक को दबोच लिया। हंगामा काफी देर तक चलता रहा। हंगामे के बाद पुलिस युवक को पकड़कर जनकपुर थाने ले आई, तब जाकर लोगों की भीड़ छटनी शुरू हुई। फिरोजाबाद में खेत पर जा रही महिला को बाइक ने टक्कर मार दी। आनन फानन में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। घटना से गुस्साए परिजन शव लेकर थाने पहुंचे। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा रही है। घटना फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के मुस्तफाबाद रोड की बताई जा रही है।
एक्सीडेंट हो गया था बाइक से जी, रोड पे ही जा रहे थे खेत पर जी, एक्सीडेंट हो गया इनका। क्या नाम है इनका? बेबी कुमारी। संभल में पुलिस ने नाले से अज्ञात युवक का शव बरामद किया है। शव मिलने से इलाके में हड़सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त शुरू कर दी है। चंदौसी कोतवाली इलाके के गौशाला रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। झांसी मेडिकल कॉलेज में फर्जी एमबीबीएस दाखिला मामले में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति मामले की जांच करेंगे। 23 और 24 मार्च 2022 को मेडिकल कॉलेज की ओपीडी के कमरा नंबर 142 में ताला तोड़कर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था। मामले के लिए पपोती के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जांच कमेटी बनाकर खुद को क्लीन चिट दे दी थी। एक साल से मामले को दबाने में मेडिकल कॉलेज प्रशासन जुटा हुआ था। एक आईटीआई कार्यकर्ता द्वारा सबूतों के साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मामले की शिकायत की गई। आपको बता दें कि देश में कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें कई जांच एजेंसी मामले की जांच कर रही है। झांसी मेडिकल कॉलेज में गुजरात पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। पूरे मामले में झांसी मेडिकल कॉलेज से प्रधानाचार्य और सीएमएस की भूमिका ज्यादा संदिग्ध बताई जाती है। पिछले साल मार्च में एक मामला आया था झांसी मेडिकल कॉलेज में, जिसमें एमबीबीएस की एक महाराष्ट्र की छात्रा थी जिसके साथ उसके दाखिले को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ था। इस मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एक जांच करी थी, एक समिति बनाई थी जो पूरी तरह से गलत थी। तो इसी मामले को लेकर हमने सबूतों के साथ उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनसे इस पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उन्होंने इस मामले की जाँच जो झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं उनको सौंपी है। ये एक बड़ा मामला है और झांसी मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी इस तरह के कई मामले आ चुके हैं जिसमें गुजरात पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर चुकी है और देश के कई ऐसे राज्य जहां पे ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं। कासगंज जनपद के प्रत्येक थाने में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी कासगंज हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा थाना गंजुड़वा और थाना सिकंदरापुर वैश्य पर उपस्थित रहकर लोगों की जन समस्याएं सुनकर उनके संबंध हेतु गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही राजस्व संबंधी प्रकरणों में राजस्व विभाग के साथ समन्वय बनाकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने के लिए संबंधित को निर्देश दिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा ये भी स्पष्ट किया गया है कि थाना और तहसील दिवस पर आने वाले प्रकरणों को कतई लंबित न रखा जाए, लोगों की शिकायतों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए उसे तुरंत निस्तारित किया जाए और थाना दिवस में आए आवेदन पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाए। साथ ही निस्तारित की गई समस्या की जानकारी शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाए, जरूरत पड़ने पर शिकायतकर्ता के मौके पर जाकर समस्या को निपटाया जाए। बहराइच में आए दिन लोग मांझे का शिकार हो रहे हैं। इससे पहले भी कई लोगों की जान और मांझे से गंभीर रूप से वो घायल हो चुके हैं। आपको बता दें कि एक राहगीर जिसका नाम शमीम बताया जा रहा है वो जिला बहराइच से मोटरसाइकिल देने दरगाह शरीफ की तरफ जा रहा था। जेसीबी मालिक की बाइक को तभी अचानक से मांझे का शिकार हो गया और गर्दन पर गहरे जख्म हो गए। आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज जारी है। अगर संबंधित अधिकारियों द्वारा पतंग के मांझे के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई तो लोगों को रोड पर चलना दुश्वार हो जाएगा। आए दिन लोग मांझे का शिकार होते रहेंगे। मैं जा रहा था दरगाह में मोटरसाइकिल देने के लिए, एक मालिक जेसीबी वाला वहीं जा रहा था। क्या हुआ? लड़का पतंग उड़ा रहा था, इमरान का लड़का हो, पतंग पकड़ने आया। उससे पूछा तेरे बाप का क्या नाम, बोला कि जो है इमरान। हमका तू ऐसे पतंग उड़ा के दूसरे के नट्टे काट डालेगा। एसएसपी राजेश एस के निर्देशन में वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम और वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बबीना थाना पुलिस ने 3 शातिर चोरों को धर दबोचा है।
मुख्यमंत्री के आदेशों को ताक पर रखकर नगर निगम मनमानी कर रहा है। राणा प्रताप मार्ग में वेंडिंग जोन में सभी पेड़ पौधे विक्रेताओं को नगर निगम दुकान हटाने की धमकी दे रहा है। 35 सालों से फुटपाथ पर ही अपनी दुकान लगाते रहे हैं, जिसे 150 परिवार अपनी जीविका चला रहे हैं। स्मार्ट सिटी कार्य चलने पर फुटपाथ दुकानदारों को अपनी दुकान हटाना भारी पड़ा है। स्मार्ट कार्य चल रहा था, उसको देखते हुए जो विक्रेता है उधर 2 सालों से नगर निगम के खाते में जमा धनराशि नहीं हो पाई है। सभी फुटपाथ व्यापारी नगर निगम के खाते में बकाया राशि जमा करने जाते हैं तो उनसे बोला जाता है कि आप सभी दुकानदार फुटपाथ खाली कर दें, वरना दुकानें हटा दी जाएंगी। राष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी का दिनांक 11 मार्च 2023 को जनपद मीरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हेलीपैड पर स्वागत करते हुए माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आपको बता दें कि यहां पर विशेष कार्यक्रम रखा गया था। यूनिवर्सिटी प्रांगण में आयुर्वेद महाकुंभ कार्यक्रम को संबोधित भी किया गया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें सम्मिलित हुए। झांसी में एक महिला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि वो बीमार होने के कारण अपने देवर के साथ इलाज कराने के लिए मऊरानी सरकारी अस्पताल आई थी। अस्पताल के बाहर गाड़ी खड़ी करके वो लोग इलाज के लिए अंदर चले गए और जब इलाज कराकर बाहर लौटे तो मोटरसाइकिल अपनी जगह पर नहीं थी। काफी खोजबीन करने के बाद मोटरसाइकिल का कोई पता नहीं चला तो वहीं पीड़ित महिला ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए अज्ञात चोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने और गुम हुई मोटरसाइकिल को वापस लाए जाने की मांग की है। झांसी में जानकारी के मुताबिक स्वासीन खुद निवासी दिनेश कुमार पुत्र हरनारायण यादव, जिसकी उम्र लगभग 44 वर्ष बताई जा रही है, सुबह खेत पर गेहूं की फसल में पानी लगा रहा था। उसी दौरान विद्युत करंट की चपेट में आने से किसान अचेत होकर गिर पड़ा। परिवार द्वारा अनुपानन में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानी पर उसे लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक किसान के भाई राजेश कुमार उर्फ बबलू ने बताया कि मृतक किसान के पास लगभग 3 बीघा खेती की जमीन थी। 4-5 बीघा खेत बटाई पर लेकर खेती किसानी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तभी अचानक पानी लगाने के लिए वो गया और जिसकी वजह से बिजली की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। देखिए, बुंदेलखंड में किसानों की बदहाली खत्म नहीं हो रही है। लगातार किसान कर्ज में डूबकर अधिक कर्ज होने के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। फसल की बर्बादी के चलते आत्महत्या हो रही है, ना जानवरों के चलते। आज यहाँ पे जनपद झांसी के गांव स्यावनी में दिनेश कुमार यादव, जिनकी उम्र 42 वर्ष है, वो अपने खेत में गेहूं की फसल में पानी लगा रहे थे। उसी समय उनको बिजली का करंट लगा और उनको परिजन आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर उनकी डेथ हो गई। मऊरानीपुर के मोहल्ला परवारीपुरा निवासी राकेश पुत्र श्याम कुशवाहा ने कोतवाली पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र पर बताया कि घर के सभी लोग खेती करने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान परिवार का एक सदस्य घर के अंदर आया और चोरी करने लगा। तभी मौके पर घर के कुछ लोग भी आ गए तो उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। इस घटना के बाद चोरी कर रहे युवक और उनके परिजनों के द्वारा उसके साथ जमकर मारपीट की गई, तो वहीं मारपीट की शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचे। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया है। इस दौरान पीड़ित युवक ने अपने हाथ दिखाते हुए कहा कि देखिए, इस हाथ पर धारदार हथियार से कई बार वार किया गया। तो वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच करने की बात कह रही है।
महोबा में बेटी से कहासुनी होने से आहत होकर महिला ने घर में ही खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे गंभीर अवस्था में परिवार के लोग इलाज के लिए महोबा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन हालत में सुधार होता न देख महिला को गंभीर अवस्था में झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। क्या घटना हो गई है? कुछ नहीं सर, दो ही माँ बेटी, लड़की की शादी हो चुकी, इसकी बड़ी लड़की की बस इसी को घर में लेकर बैद हो गया, थोड़ा कुछ काम बदन पे लड़ाई होगी, इसने के लड़की ने कह दिया कि हम ससुराल जाते हैं, माँ ने रोकने की कोशिश की अभी मत जाओ बेटा, अब इसी बात पे थोड़ी गुस्सा होगा, इसी पे तो इसने फांसी लगा ली। अभी कहाँ लाए इलाज के लिए? माओ भले आए। एक महिला को उसके घर के लोग लेकर के आए और उन्होंने ये बताया कि उसने फांसी लगा ली थी और तुरंत वो लोग पहुंच गए, रेस्क्यू किया उसको, लेकर के हमारे पास आए, हमने देखा उसकी हालत क्रिटिकल है, उसका तुरंत मैनेज किया और उसको झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। कासगंज में सर्विलांस सेल की टीम ने 40 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। खोए मोबाइल फोन को एएसपी ने मोबाइल स्वामी को सुपुर्द कर दिया। कोई मोबाइल फोन पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे खिल उठे। 5 लाख के करीब इनकी कीमत बताई जा रही है। जिले के अलग अलग स्थानों में लोगों के मोबाइल खोए थे, जिन्हें वापस ढूंढ लिया गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्नाव के अपराध शाखा में तैनात दारोगा धर्मराज उपाध्याय ने शायराना अंदाज में गीत गाया है, जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल बता दें कि दरोगा धर्मराज ने होली पर यह गीत गाया, कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यह गीत है। धर्मराज के शब्दों के ये बोल हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जोड़ो खेल रहा था खेल, 3 राज्यों से साफ हुआ फिर हो गया पप्पू फेल, इसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि दारोगा किसी मानसिकता से ग्रसित है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।